और बात करेंगे कर्नाटक से जुड़ी हुई कर्नाटक की राजनीति की। जेडीएस में टिकट को लेकर तकरार बना हुआ है, तो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के परिवार के बीच सुरक्षित सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के साथ जाकर अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं। और जेडीएस के पूर्व सांसद शिवराम गौड़ा ने बीजेपी ज्वाइन कर सीएम बम्बई के अभियान को मजबूती देने की बात कही है। इसके साथ ही मशहूर एक्टर सुदीपा ने बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी को मजबूत करने की बात कही है। तो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तमाम राज्य में नेता। राज्य की 224 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आप, बीएसपी सहित कई पार्टियां उतार रहे हैं अपने उम्मीदवार। कांग्रेस के बड़े नेता सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में वोट बंटने का डर है। हमारी संवाददाता आयशा खानम इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। आयशा, किस तरह से देखती है इस राजनीति को, क्योंकि जब चुनाव से पहले जिस दल में अगर एक के बाद एक लोग ज्वाइन करें तो ये माना जाता है कि जो राजनीतिक हवा है उसको नेता पहचान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हर कोई बीजेपी ज्वाइन करने वाला यही कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज जब जेडीएस के पूर्व सांसद शिवराम गौड़ा ने बीजेपी ज्वाइन किया तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि शिवराम गौड़ा कर्नाटक में वक्कलिगा जाति के एक बड़े नेता माने जाते हैं और बीजेपी और शिवराम गौड़ा जो है मांड्या से सांसद रह चुके हैं, तो बीजेपी के लिए ये मांड्या और मैसूर इलाका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस ओल्ड मैसूर रीजन में बीजेपी अपना खाता खोलने की और अपनी 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 संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि इस इलाके से अगर बीजेपी 30-35 सीट जीत जाती है तो ये मानकर चला जा सकता है कि बीजेपी कर्नाटक में स्थिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है आज। और दूसरी तरफ किच्चा सुदीप जो कन्नड़ा फिल्म स्टार है, सुपर स्टार है, और वो कर्नाटक के एक आइकॉन है, तो उन्होंने भी आज बीजेपी को सपोर्ट करने का और बीजेपी के साथ मिलकर प्रचार करने का ऐलान कर दिया। तो ये भी बीजेपी के लिए, खासकर कई युवा जो वोटर्स होंगे, मतदाता होंगे, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। और बीजेपी बार-बार कह रही है उसके लिए जो हवा है वो उसके पक्ष में बह रही है और ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मुफीद साबित होगा, जो दो खास इतने दिग्गजों ने बीजेपी ज्वाइन की है और सपोर्ट करने की बात कही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।